हेलो एवरीवन, हम मध्य प्रदेश भोपाल से हैं और करेंटली हम बड़ौदा गुजरात में रहते हैं। जीवनियम हॉस्पिटल का हमें गूगल सर्च से पता चला था और 3 मंथ्स के लिए भी हम यहाँ पर स्टे किया हमने। जीवनियम हॉस्पिटल से हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरे बेटे को सेंसरी इश्यूज थे साउंड के लिए, टैक्टाइल के लिए, और उसके अलावा उसका हाइपर एक्टिविटी, सिटिंग टॉलरेंस उतनी नहीं थी बिकॉज ऑफ द साउंड सेंसरी पार्ट। जीवन हॉस्पिटल आने के बाद जब इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, मेडिकेशन स्टार्ट हुए और साथ साथ जो जीवनयम की प्रोफेशनल थेरेपिस्ट की टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छा वर्क किया मेरे बेटे पर, और उसके कारण मेरे बेटे का 1 मंथ के अंदर ही हमें रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो गए। बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, फ्रूट्स थे जो वो नहीं खाता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उसने खाना स्टार्ट किया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड विच ही डोंट लाइक आर हेल्दी आइटम्स, सो उसने स्टार्ट किया खाना। साथ साथ उसके टेक्टाइल पार्ट और साउंड सेंसरी पर भी काफ़ी वर्क किया गया। पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और उसके कारण उसके सेंसरी इश्यूज कम हुए और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के कारण बहुत अच्छा रिजल्ट हमें अभी फिलहाल दिख रहा है उसमें। मोबाइल के लिए उसका एडिक्शन जो था वो काफ़ी बचपन से उसे था कि अगर वो चाह रहा है मोबाइल तो उससे रेजिस्ट करवाना बहुत मुश्किल हो जाता था, और ख़ास तौर से ट्रैवलिंग में तो उसे पूरे टाइम मोबाइल चाहिए होता था। उसे हम टाइम शेड्यूल करते थे लेकिन फिर भी उतना हेल्प आउट नहीं हो पाता था। स्क्रीन टाइम कम से कम रखने की कोशिश करी लेकिन हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि उसका मोबाइल के लिए जो एडिक्शन है वो थोड़ा और कम हो, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी 3 मंथ्स में अभी 25 डेज हो चुके हैं उसने एक भी दिन मोबाइल टच नहीं किया है, और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि वो मोबाइल नहीं ले रहा है। इसके कारण हम उसे जहाँ पर भी ट्रैवल करवा रहे हैं, बाहर एक्सप्लोर करवा रहे हैं चीज़ें, पार्क हो या बोटिंग हो या कोई अम्यूजमेंट पार्क हो, पब्लिक प्लेसेस हो और दूसरे जगह पर भी, लेकिन वो काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उनसे लर्न कर रहा है। मेरे बेटा माइल्ड ऑटिस्टिक है, साथ साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डिलेड है, जिसके कारण जितना हम उसको एक्सपोजर देंगे, जितना वो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, कंसंट्रेट करेगा, उतना वो जल्दी सीखता, लेकिन मोबाइल उसके बीच में एक हर्डल आ रहा था बहुत बड़ा, जो कि जीवनयम में आने के बाद ही सॉर्ट आउट हुआ। उसके लिए मैं सारे जीवनयम की टीम और स्पेशली डॉक्टर रेशमी को थैंकफुल हूँ। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं, और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसके रिजल्ट्स हमें 3 to 4 मंथ्स के बाद और अच्छे तरीके से दिखते हैं, तो हम उसके लिए एक पॉजिटिव होप रख रहे हैं कि हमारे जाने के बाद भी ये कंटिन्यू रहेगा। मैं सारे पेरेंट्स को बस यही कहना चाहूँगी कि आप जीवनयम टीम पर ट्रस्ट करिए, और साथ साथ अगर पेरेंट्स अपना सपोर्ट भी देंगे टीम को तो वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ओनली द थेरेपिस्ट और द डॉक्टर्स हु आर गोइंग टू ट्रीट योर चाइल्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो कितना सपोर्ट शो करते हैं। सपोर्ट इन अ सेंस ये नहीं कि हम उनको कितना फ्रेंडली बना रहे हैं या हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने बच्चे के इश्यूज आप खुद कितना समझ रहे हैं, डेली बेसिस पे आपका बच्चा जो फेस कर रहा है आप उसको कितना फील कर पा रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ फैमिली, और आप उसको कितना शेयर कर पा रहे हैं विद द थेरेपिस्ट और द डॉक्टर, उतना अच्छे तरीके से डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट बच्चे पर वर्क कर सकते हैं, और जो भी वो आपको घर पे करने के लिए टास्क दे रहे हैं ईमानदारी के साथ अगर पेरेंट्स उसे परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगी कि डोंट फील डिप्रेस्ड, हमें डिप्रेस नहीं होना है। अगर हम डिप्रेस होंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो ऑरा क्रिएट होता है हमारे आसपास और वो ऑरा बच्चे पर भी जाता है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और
जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हैं, जीवन्यम में है या जहाँ पर भी है, प्लीज कोऑपरेट विद द थेरेपिस्ट एंड बिलीव इन द डॉक्टर. जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो इट्स अ गॉड ग्रेस, हमारे बच्चे जरूर कुछ ना कुछ फ्यूचर में कर सकेंगे और करेंगे भी, कर सकेंगे नहीं करेंगे, और उसके लिए हमें पॉजिटिव रहना है और साथ साथ प्रैक्टिकल भी रहना है कि हम ये ना सोचे कि हम अपने बच्चे के साथ हार्श हो रहे हैं, हम इतना क्यों उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, इतना डिसिप्लिन कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम बच्चे को अभी डिसिप्लिन कर देंगे अकॉर्डिंग टू द एज, लाइक द न्यूरोटिपिकल किड्स, उस एज के न्यूरोटिपिकल किड्स जितना कर सकते हैं उसका 80% हमारा बच्चा भी कर सकता है. बस हमें अपना थोड़ा सा हार्ड हार्टन होना पड़ेगा कि उसको हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा बच्चे को, और उसमें पूरी हेल्प जीवन्यम के थेरेपिस्ट और डॉक्टर रेशमी करती हैं. बस ये है कि हमें उन पे ट्रस्ट करना है और उनके साथ साथ परफॉर्म करना है. आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो इट्स अ मैजिकल थिंग और वो केरला में ही पॉसिबल है. यहाँ पर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा वो आपको और कहीं नहीं मिल सकता, आई कैन से इट वेरी श्योरली. तो जस्ट गो फॉर इट. जीवन्यम हॉस्पिटल में सारा थेरेपी इंक्लूडिंग म्यूजिक थेरेपी, हमारे साइट पे म्यूजिक थेरेपी नहीं होती है. हमने भी बहुत सर्च किया कि म्यूजिक कहीं से हमें कुशाग्र के लिए मिल सके, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हो पाया. लेकिन जीवन्यम में म्यूजिक थेरेपी, बाकी जो बेसिक थेरेपीज होती हैं वो, उसके साथ साथ क्लिनिकल योगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट along with the support of Dr. Reshmi and medication is there. So surely मैं बोलूँगी कि जीवन्यम हॉस्पिटल आप ज़रूर विजिट करें और टाइम लेकर आएँ जिससे कि आपको ट्रीटमेंट और थेरेपी के कारण आपको रिजल्ट मिल सके. हम यहाँ पर 3 months ही दे पाए क्योंकि कुछ मेरे बेटे का स्कूल भी है, तो नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे. अदर पेरेंट्स को भी मैं वही बोलूँगी कि आप आके थोड़ा सा टाइम देकर रुकें, और अकोमोडेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, उसके लिए आपको जीवन्यम टीम पूरा हेल्प करेगी. केरला के लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छे और बहुत अंडरस्टैंडिंग पीपल हैं. जिनसे भी हम मिले, हम केवल जीवन्यम हॉस्पिटल की नहीं, हम जहाँ पर भी गए, किसी शॉप पर या हम किसी पब्लिक प्लेस पर, हम जहाँ पर भी घूमने गए, लेकिन जो हमें सपोर्ट और कोऑपरेटिवनेस, अंडरस्टैंडिंग यहाँ के लोगों में मिली, वो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा लगा हमको. और वो अंडरस्टैंड करते हैं कि एक स्पेशल किट की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी भी स्केल का पर्सन हो, लेकिन वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक स्पेशल किट की क्या प्रॉब्लम है. अगर पेरेंट्स कुछ कंसर्न शो कर रहे हैं तो वो उसके लिए ज़रूर हेल्प करते हैं. इवन मतलब अगर हम होटल पे जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप म्यूज़िक थोड़ा कम कर दो, बस में जा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं प्लीज़ आप म्यूज़िक थोड़ा कम कर दो, या बच्चे की सिटिंग चेंज कर दो. वो एक मेल चाइल्ड है, अगर हमें उसे फीमेल सीट पर बिठाना है तो भी, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एक स्पेशल किट के पेरेंट के लिए बहुत बड़ी हो जाती हैं, पब्लिक प्लेस पर खास तौर से. तो उसके लिए भी यहाँ लोग बहुत सपोर्टिव हैं, एंड हैट्स ऑफ टू द केरलियन पीपल आई मस्ट से. ठीक है, बस इतना ही बोलूँगी. बाकी तो पेरेंट्स और बच्चों के लिए और जीवन्यम टीम के लिए गुड विशेज हैं हमारी. होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड हैप्पी. ബോധിയിലും ദേഹിയിലും ജീവനീയം, ജഗത്തിലും ജപത്തിലും ജീവനീയം.